द टाइम अपडेट इज 7:20 इन द मॉर्निंग और आज का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो है 410 किलोमीटर। हमने से तो आपको पता ही चल गया होगा कि कहाँ जा रहे हैं अपन, लेकिन वहाँ पे पहुँचने का टाइम जो है वो यहाँ से 7 घंटा और 40 मिनट बता रहा है नॉन स्टॉप गूगल। तो ऑब्वियसली गूगल से तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, बिकॉज ब्रेक्स लेंगे, थोड़ा फुटेजेस लेंगे। तो आज का एजेंडा यही है कि फटाफट वहाँ पे पहुँचते हैं। रास्ते का सिनेमैटिक शॉट उतना होगा नहीं, क्योंकि ये रास्ता मैं पहले भी गोकर्णा जाते टाइम दिखा चुका हूँ। तो अभी सीधा निकलते हैं मतलब मंजिल की ओर, एंड पहले तो गाड़ी को रिफ्यूल करवाना है, बिकॉज जस्ट 3 बार बचे हैं फ्यूल के उसमें। तो पहले गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं फ्यूल स्टेशन की तरफ। और जी ये पहले ना आप ट्रैवल टाइम देख लो और अराइवल टाइम वहाँ का, और बाहर का मौसम, मतलब सुबह क्या लगाइए रात से ही बारिश हो रही है यहाँ पे। और अभी मतलब कर्नाटका में वैसे भी ऑरेंज अलर्ट है रिगार्डिंग द रेन, और हम ऐसे भी दो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रॉस करके जाने वाले हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो और भी बारिश होगी। फिलहाल तो यहाँ अंदर इंटीरियर टाउन से निकलते हैं और हाईवे पकड़ते हैं। पुणे वाले हाईवे से ऑब्वियसली जाएंगे चित्रदुर्गा होते हुए और फिर वहाँ से लेफ्ट ले लेंगे टुवर्ड्स शिवमोगा। तो अभी तक का तो एजेंडा यही है, अभी 2-3 घंटे के लिए नो ब्रेकफास्ट या फिर वैसे स्नैक्स वाला हॉल्ट, बिकॉज घर से हल्का फुल्का खा के निकले उससे काम चल जाएगा। और हर बार की तरह हम फिर से आ गए हैं नाइस रोड पे, और इस नाइस रोड पे हमें चलना है तकरीबन 17 किलोमीटर, और 17 किलोमीटर के लिए हमने कितना दिया, 170 रुपए, 175 रुपए। तो हर बार की तरह इस नाइस रोड में कुछ भी वैसा ज्यादा नाइस नहीं है, मौसम प्लेजेंट है, और इस प्लेजेंट मौसम में जितना लंबा कवर कर सकते हैं कर लें। हालांकि गाड़ी में है तो गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बारिश का फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश तेज हो गई तो ऑब्वियसली स्पीड कम हो जाती है गाड़ियों की। और गाइस रोड पे ट्रैफिक देखिए, एक्सटेंडेड वीकेंड होने के कारण इधर लेफ्ट में बाइकर्स गैंग भी जा रही है विद इंडियन बाइक, और ऐसे भी ट्रैफिक आप अगर रोड पे देखिएगा तो इतना ज्यादा है, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लोगों को मिल रहा है, तो सब कहीं ना कहीं बाहर ही निकले हुए हैं, इसीलिए काफी ज्यादा ट्रैफिक है अभी। होपफुली और 100 किलोमीटर आगे जाने के बाद कम हो जाए, क्योंकि उसके बाद सब अपने अपने लेफ्ट राइट रिजॉर्ट या डेस्टिनेशन पे निकल लेंगे, लेकिन अभी तो सब बैंगलोर से निकले हैं और बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है। ऑलराइट जी, अभी हमने कराजीवाना हल्ली टोल प्लाजा पार किया है, पार करके जस्ट यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। वी हैव स्टॉप्ड फॉर, नॉट वी, आई जस्ट स्टॉप्ड फॉर अ पी ब्रेक। अभी जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया है अभी तक वो है 100 किलोमीटर के अराउंड, एंड द टाइम अपडेट इज 9:10, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा हो गया और 50 का एवरेज है कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, एक्सटेंडेड वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, सारी दुनिया रोड पे है। तो लगता है कि चित्रदुर्गा से जब हम लोग स्टेट हाईवे पे आएंगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना अभी तो बहुत ज़्यादा रश है। लेट्स सी, सो फार सो गुड। अभी तक मैंने कोई रिफ्यूल नहीं करवाया, अभी भी 3 बार दिख रहे हैं TUV में, सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा एवरेज दिखा रहा है, और 3 बार में भी दिखा रहा है कि डिस्टेंस टू एम्प्टी इज 450 किलोमीटर, तो अच्छा एवरेज दे रही है, अराउंड 17-18 दे रही है। बाकी चलते हैं आगे गंतव्य की ओर। ऑलराइट जी, अब जो ट्रैवल टाइम बचा है दैट इज ऑफ 3 आवर्स, एंड द डिस्टेंस लेफ्ट इज 170 किलोमीटर, तो अप्रॉक्सीमेटली 230 किलोमीटर, मतलब 237 किलोमीटर हम लोग कर चुके हैं अभी तक। टाइम अपडेट इज 11 o'clock, तो 3 घंटे गाड़ी चला चुके हैं। दिस इज द सेकेंड हॉल्ट इन द फ्रंट ऑफ पेट्रोल पम्प, 3500 रुपये का डीजल भराया है, 34.67 लीटर आया, 101 रुपये है डीजल यहाँ पे।
तीन घंटे और गाड़ी चलानी है, देन वील रीच जॉग फॉल्स। तो अभी तक तो कोई फ्यूल और पी ब्रेक के अलावा कोई ब्रेक लिया नहीं है। पिछला वाला पी ब्रेक था ना, उसके बाद अभी ये फिर फ्यूल। अब आगे चलते हैं यहाँ से, हाईवे थोड़ी देर में ये ख़त्म हो जाएगा, देन वील एंटर द नेशनल फॉरेस्ट। नेशनल फॉरेस्ट का नाम मैं भूल गया, मैं आपको अभी बता दूंगा मैप देख करके। और उस नेशनल फॉरेस्ट में स्पीड कम हो जाएगी। दिस इज़ द गोवा पुणे हाईवे, तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी खासी स्पीड है, बट इसके बाद थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा हमारा। अभी तक ऐसी कुछ थकान लग नहीं रही है, ना भूख लग रही है। एंड दो वी हैव प्रोटीन बार नैचोज एंड ऑल दो स्टफ इन द कार, तो होपफुली स्टॉप नहीं लेंगे फॉर एनी ब्रेकफास्ट या फिर लंच कह लीजिए। सीधा होटल पहुँचते हैं, होटल से व्यू दिखाएंगे फिर आप। ऑलराइट गाइस, द टाइम हैज केम, वो समय आ गया जब हम पुणे गोवा हाईवे को छोड़ने वाले हैं, एंड विल टेक द स्टेट हाईवे टुवर्ड्स द जॉग फॉल्स। तो ये वाला जो कट आगे आ रहा है, जैसा कि गूगल माता भी बोल रही है, तो वी आर टेकिंग लेफ्ट फ्रॉम हेयर। ब्यूटिफुली क्राफ्टेड हाईवे, मतलब जब मैं पिछली बार हम्पी जा रहा था तो उस टाइम पे ये बन रहा था, बट नाउ इज fully operational with all the toll taxes and all those stuff. तो बहुत ही अच्छा हाईवे है अगर आप इस पे पुणे गोवा की तरफ बढ़ रहे हैं, बट हमें अभी यहाँ से उतरना है और हमें आगे से लेफ्ट लेना है टुवर्ड्स द जॉग फॉल्स। अभी और जो ट्रेवल टाइम बचा है दैट इज ऑफ 120 किलोमीटर्स, तो For covering this 120 kilometers, it's showing 2 hours and 30 minutes. Obviously, this would be the single lane highway, is the state highway. तो इस पे इतना time तो लगेगा ही। Alright जी, finally we have entered into the national forest. बेबो जरा देख के बताना Google Map में कौन सा उसमें चल रहे हैं national forest में। तब तक मैं दर्शकों को थोड़ा सा road दिखा दूँ। Road अच्छा बना हुआ है, no doubt. सिंगल लेन ही है लेकिन अच्छा रोड है। इसको जूम आउट करो ऐसे, यू विल गेट द नेशनल फॉरेस्ट नेम। एनीवेज गाइस, सड़क को देखिए, सड़क के दोनों तरफ जंगल देखिए, और हल्की हल्की होती हुई बारिश। करंटली वी आर इनसाइड सम नेचर कंजर्व्ड एरिया। अनफॉर्चुनेटली मैप में भी दिखा नहीं रहा है, बट व्हेन आई वाज लीविंग फ्रॉम बैंगलोर इट वाज शोइंग दैट इट गोज थ्रू सम ऑफ द नेचुरल रिजर्व, मतलब नेशनल पार्क। एनीवेज वो तो आप लोग खैर गूगल कर लेंगे, शिवमोगा के पास जो नेशनल पार्क है। बट लुक एट द रोड यार, मतलब गजब का वेदर। ऑल ऑफ अ सडन लाइक इन 50 किलोमीटर जैसे हम लोग ये स्टेट हाईवे पे आए और अंदर आए, यहाँ का वेदर बिल्कुल चेंज हो गया। और ग्रीनरी देखिए कि कितनी ज्यादा ट्रीज है अराउंड द रोड, अक्रॉस द रोड बोथ साइड। और बारिश भी फिर धीरे धीरे तेजी हो गई है। ओके, लेट मी फोकस ऑन द ड्राइविंग नाउ। ऑलराइट जी, द टाइम अपडेट इज 1:48। गूगल के बताए हुए टाइम से हम लोग तकरीबन 45 मिनट पहले यहाँ पहुंच गए, और सामने लाइन लगी हुई अंदर घुसने की। एज आई सेड अर्लियर कि एक्सटेंडेड वीकेंड है, तो सारी जनता यहाँ पहुंची हुई है, और भाई साहब भीड़ का तो कोई वो ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है। होपफुली अंदर पार्किंग मिल जाए, और होटल वालों ने अपना वो जो है पार्किंग का वो एरिया रिजर्व रखा हो, क्योंकि पार्किंग तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस भाई को उतरने दें। नहीं भाई, घुसा दिया इसको भाई से। ढलान पे भी गाड़ी नहीं रुक रही, चढ़ाई वाली गाड़ी को रोक दे रहे हो। कोई नहीं, धीरे धीरे एंटर करते हुए। ऑब्वियसली अंदर स्पेस नहीं होगा, दैट्स व्हाई इतना टाइम लग रहा है। राइट जी, ये हमारा रूम नंबर 3, होटल मयूरा। होटल मयूरा कुछ ज्यादा ऐसा खास नहीं है, लेकिन एकदम जॉग फॉल से चिपका हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड है। ये अभी फैलाया नहीं है, जस्ट सामान वामान रखा है। और ये रूम का व्यू,
नो एयर कंडीशनिंग, नॉन एसी, ये थोड़ा सिटिंग एरिया है ऐसा, और वॉशरूम है। लेकिन सबसे मुद्दे की बात अभी ये है कि थोड़ा सा जॉग फॉल्स आपको सिनेमैटिक शॉट नहीं, नॉर्मल दिखाता हूँ, और उसके बाद खाना खाने चलते हैं। बहुत तेज़ भूख लगी, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हो कि कुछ खाया नहीं था, एक प्रोटीन बार खाया है और 400 किलोमीटर नाप दिया हमने 7 घंटे कंटिन्यूस, 45 मिनट्स बिफोर व्हाट गूगल हैज़ गिवन द एस्टिमेटेड टाइम। तो आइए आपको देख छोटी सी झलक दिखाते हैं, बाकी अपना DSLR मतलब मिररलेस कैमरा वगैरह निकाल करके बढ़िया ड्रोन फुटेज वगैरह बनाएंगे। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। Alright, देवी और सर्जनो, हल्के फुल्के जॉग फॉल्स का नज़ारा कुछ इस प्रकार का आपके सामने। ये देखिए, तो अभी पानी का फ्लो उतना है नहीं, अदरवाइज ये आपने फोटोज और बाकी वीडियोस में देखा होगा जो लोग मॉनसून में आते हैं तो कितना ज़्यादा पानी का फ्लो होता है। पानी का फ्लो कम है अभी, पीछे जो डैम है अभी से यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर पीछे उन्होंने खोला नहीं है पानी, इसी की वजह से यहाँ पे इतना पानी है नहीं, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। होप करते हैं कि शाम के टाइम पे या रात में अगर पानी खोला गया तो अपने नाइट विजन से थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अभी तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है क्योंकि जॉग फॉल्स में आप लोगों को भी पता है कितना ज़्यादा पानी होता है, लेकिन देखते हैं, थोड़ा सा धूप भी कम हो जाए। क्लाउडी वेदर है लेकिन ह्यूमिड है। एक छोटा फॉल उधर भी है, वो देखो। अपडेट इज 2:30 और यहाँ पे बस एक रेस्टोरेंट है और सारी जनता उसी में उमड़ पड़ी है खाने के लिए। अपना तो नंबर आने से रहा क्योंकि अभी सब वहाँ पे मेन्यू कार्ड ही देख रहे थे, जितने होटल टेबल पे बंदे बैठे हुए थे तो वो ऑर्डर करेंगे, खाएंगे, उठेंगे। और इनकी मोनोपोली ऐसी है यहाँ पे कि और कोई रेस्टोरेंट या इवन बर्गर वाला, भुट्टे वाला कोई भी अंदर अलाउ किया हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से खाने का कोई भी आइटम अंदर उस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ है नहीं। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। एंड ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे बारिश शुरू हो गई और जॉग फॉल्स का नज़ारा बिल्कुल ही बदल चुका है, क्योंकि फॉल्स दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा क्लाउड आ गया है। ये वही जगह है, उस टाइम पे हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और सामने जॉग फॉल्स देख रहे थे, और अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो आपको दिखेगा हल्का फुल्का इसके आगे, या नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा है कैमरे से, तो नहीं दिख रहा है, हालांकि एग्जिस्ट करता है फॉल वहाँ पे। तो ये है यहाँ की खासियत। मैं तो कॉफ़ी पीने के लिए निकला था, टाइम अपडेट वुड बी समवेयर अराउंड 4:15 बिकॉज मैंने वॉच कुछ नहीं पहना है, बट अच्छा है, ये थोड़ा सरप्राइज अच्छा लगा, होपफुली वाटर लेवल भी बढ़ जाए यार। भाई पीछे जो दिख रहा है ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक अपन घूम के आ गए, सभी बंदों के हाँ आंखों में निराशा, इतना ज़्यादा डेंस फॉग है, इतना ज़्यादा डेंस फॉग है, कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं। ये एक्चुअल जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, इतना ज़्यादा डेंस है ये, सारे बंदे निराश पड़े। हम तो अपने कमरे में जा रहे हैं, हमने तो पहले ही देख लिया था और आपको भी दिखा दिया था, अब जब मौसम साफ होगा तब का तब देखेंगे। अभी के लिए तो फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब विजिबिलिटी मुझे लगता है कि 10 मीटर मैक्स। चल बाबू, चल रूम में चलते हैं। ऐसे भी भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिड मतलब इतना ज़्यादा हो गया ना फॉग की वजह से, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। नॉट आइडियल प्लेस टू रोम अराउंड राइट नाउ।